गुड आफ्टरनून टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। हमारे भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं? श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल, वाचक स्किल, पठन कौशल मतलब रीडिंग स्किल, लेखन कौशल मतलब राइटिंग स्किल। और ये क्या है, वाचक कौशल मतलब स्पीकिंग स्किल। ये हमारे भाषा कौशल, अगर आपसे पूछा जाए तो ये हमारे भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। और ये इसी सीक्वेंस में आएंगे, इनका क्रम यही रहेगा कि सबसे पहले बच्चा सुनना शुरू करता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है और सबसे लास्ट में लिखना स्टार्ट करता है। हम एक एक करके, आज हमारा जो है हम सिर्फ श्रवण कौशल करेंगे, लिसनिंग स्किल करेंगे, फिर उसके बाद ये भाषा कौशल को समझेंगे। सबसे पहले देखें, भाषा कौशल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोल कर या लिख कर अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है। भाई दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या करता है, या तो बोलता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, या फिर लिख कर अभिव्यक्त मतलब प्रकट करता है, तथा सुनकर या पढ़कर अपने विचारों को ग्रहण करता है। सुनकर और पढ़कर, ये चीजें आप ध्यान से समझो, सुनकर और पढ़कर क्या करता है, विचारों को ग्रहण करता है, और अभिव्यक्त किससे करता है, लिख कर या बोलकर। तो ये क्या है भाई, अभिव्यक्त मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स है हमारे, सुनकर और पढ़कर क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, मतलब के ग्रहण करने वाले। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ठीक है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। ये जो चारों स्किल हैं, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अर्थात प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर हमें सुनाई नहीं देगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हम सुन नहीं पा रहे, लिसनिंग स्किल हमारा अच्छा नहीं है, तो स्पीकिंग स्किल भी हमारा अच्छा नहीं हो पाएगा। अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहले हमें अच्छे श्रोता बनना पड़ता है। किसी की बात बोल कर बताने से पहले हमें सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए। भाषा कौशल को चार प्रकारों में विभाजित किया गया है, ये देखिए। श्रवण कौशल चार प्रकार है, भाषा के कितने कौशल बताए हैं, चार, ठीक है। तो कितने, ये कौन से हैं, देखिए। श्रवण कौशल मतलब सुनना, वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, स्पीकिंग स्किल मतलब विचारों को बोल कर व्यक्त करने का कौशल, पठन कौशल मतलब पढ़कर, रीडिंग स्किल पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। रीडिंग की परिभाषा, जो पठन की क्या परिभाषा है, रीडिंग किसी कहते हैं, किसी चीज को पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हुए किसी चीज को पढ़ना, ठीक है। पढ़ना क्या कहलाएगा, जब हमें इस लाइन को, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो इस लाइन का मुझे अर्थ पता होना चाहिए, तब हम इस चीज को रीडिंग कहेंगे, ठीक है। ये लाइन के मतलब हिंदी में लिखा हुआ है, पर ये भाषा कुछ और है, ठीक है। तो मुझे जिन शब्दों का अर्थ नहीं पता, फिर भी मैं उसे पढ़ती जा रही हूँ, तो उस चीज को हम पढ़ना नहीं कहेंगे, रीडिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। फिर तीसरा, फोर्थ क्या है, लेखन कौशल, राइटिंग स्किल, विचारों को लिख कर व्यक्त करने का कौशल, ठीक है। जब हम अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं, तो क्या क्रम रहेगा इसका, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बच्चे में कौन सा स्किल डेवलप होता है, सुनने का, ठीक है। फिर कौन सा होता है, बोलने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, पढ़ने का, और उसके बाद लिखने का, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। फिर ये देखिए, भाषा कौशल का विकास क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको इस तरह से देखेंगे हम। सुनने का मतलब सुनकर ग्रहण करना, बोलना मतलब बोलकर विचार प्रकट करना, पढ़ना पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, और लिखना लिखकर विचार प्रकट करना। तो सुनना, सुनना और पढ़ना, ये फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर, ये कौन से कौशल हैं हमारे, इनका वर्गीकरण कर दिया गया है, कौन से कौशल हैं,
ग्रहणात्मक कौशल, ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है किसी बात को। अगर हम हमें किसी चीज का पता लगाना तो कैसे करेंगे हम, या तो उसके बारे में सुनेंगे या फिर हम खुद पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में से पढ़ेंगे, किसी बुक में से पढ़ेंगे। तो उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं। तो वो कौन सा कौशल हुआ हमारा, स्किल हुआ ग्रहणात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। फिर इसी तरह से है जब हम किसी चीज को अभिव्यक्त करते हैं, किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो कैसे करते हैं, या तो हम लिखकर दिखाएंगे, अभिव्यक्त करेंगे, या फिर बोलकर बताएंगे, अभिव्यक्त करेंगे। ऐसे कौशल जिनमें अभिव्यक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल, मतलब कि प्रोडक्टिव स्किल। ये समझ में आया इतना? फिर आगे देखेंगे, दो भागों में विभाजित किया है। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को उपरोक्त चारों कौशल में दक्ष बनाना है। उपरोक्त चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण एवं पठन कौशल ग्रहणात्मक कौशल है, तथा अन्य दो वाचिक व लेखन कौशल अभिव्यंजनात्मक कौशल है। स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल हमारे कौन से कौशल है, अभिव्यंजनात्मक मीन्स प्रोडक्टिव स्किल है, ठीक है। और श्रवण मतलब लिसनिंग स्किल और पठन मतलब रीडिंग स्किल कौन से कौशल है हमारे, रिसेप्टिव स्किल्स है। ये देखिए भाषा कौशल का वर्गीकरण, यहाँ से सीटेट में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्रहणात्मक कौशल, ऐसे कौशल जिन्हें ग्रहण किया जाता है, श्रवण कौशल, पठन कौशल। अभिव्यक्तात्मक कौशल जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, वाचन कौशल, बोलना, ठीक है, लेखन कौशल, लिखना। तो आज हम जानेंगे, ये था भाषा कौशल के बारे में, ठीक है, और आज हम एक एक करके जानेंगे इनको आगे। तो सबसे पहले हमें जानना है श्रवण कौशल के बारे में, लिसनिंग स्किल के बारे में। तो लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल का अर्थ देखेंगे। श्रवण कौशल का संबंध करण अर्थात कानों से है। श्रवण शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण किया जाता है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का सुनकर ही, आदि को सुनकर ही प्राप्त करता है। मतलब इन सब चीजों का ज्ञान किस तरह से प्राप्त करता है, सुनकर ही प्राप्त करता है और उसका अर्थ भी ग्रहण करता है। मतलब जब हम चीजों, किसी चीज को सुनकर और उसके अर्थ को जानते हुए ग्रहण करते हैं, तभी हाँ इस चीज उसको लिसनिंग स्किल माना जाएगा, मतलब श्रवण कौशल माना जाएगा, ठीक है। हम चीज को सुन रहे हैं परंतु उस चीज का हमें अर्थ नहीं पता, तो वो स्किल नहीं माना जाएगा। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो वह नए भाषा के वाचिक कौशल को सीख सकता है। मतलब अगर उसको सुनने में प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वह भाषा के वाचिक कौशल को नहीं सीख सकता, मतलब बोलने, स्पीकिंग स्किल उसमें डेवलपमेंट वैसे ही नहीं होगा अगर वह सुन नहीं सकता तो, और न ही बोलकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। स्किल डेवलप नहीं होगा तो वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर ही नहीं सकता, अतः उसका भाषा ज्ञान सुनने के बराबर ही रहेगा, क्योंकि बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। मतलब सुनकर ही भाषा श्रवण कौशल को प्राप्त करता है, मतलब सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है, एक्वायर्ड करता है इस नॉलेज को। अर्थ जान लिया, इसका महत्व जानेंगे, श्रवण कौशल का शिक्षण का महत्व। श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व निम्न प्रकार से वर्णित किया गया है। देखिए, बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है, जन्म के बाद ही क्या करता है, बच्चा सुनने लग जाता है। ये ध्वनियां उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। जैसे क्या करता है बच्चा, अपनी माँ की आवाज को सुन सकता है, जिस तरफ हम आवाज करेंगे, किसी चीज को बजाएंगे या कोई उसका खेलने की चीज है उसको, उसकी आवाज आएगी, उसी तरफ वो देखने लग जाता है, और बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है। और यही चीज उसका सुनना ही क्या बनता है, भाषा का आधार बनती है। जब हम उसके सामने कोई वर्ड बार बार रिपीट करते हैं, मम्मी पापा, इस तरह से, तो वो क्या करता है, उसी चीज का अनुकरण करके पहले सुनता है और फिर वो
बोलना शुरू करता है उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है। सूक्ष्म अंतर को मतलब किसकी ध्वनि है, अब माँ की आवाज आ रही है, अब किसी चीज की और दूसरी चीज की आवाज आ रही है, या कोई और उसके किसी और मतलब माँ की आवाज है, भाई की आवाज है, उसमें अंतर करना शुरू कर देता है। श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार है। बिल्कुल, श्रवण कौशल जब विकसित होगा तो भाषाई कौशल मतलब के वाचक कौशल हमारा डेवलप होगा। इससे ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। इससे अध्ययन की मतलब कौन सी ध्वनि किस चीज की है, इससे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है। इसे वाचक कौशल का विकास होता है। बिल्कुल, स्पीकिंग स्किल का डेवलपमेंट हमारे अंदर कब होता है, जब हम हमारा लिसनिंग स्किल डेवलप हो चुका हो। इससे लेखन के विकास में भी सहायता मिलती है, यह व्यक्ति के विकास में भी सहायक होता है। श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य देखेंगे। श्रुत सामग्री को भली भांति समझ कर, ठीक है, जो हम सुन रहे हैं उन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए हमें। सुनकर ग्रहण कर करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों को साहित्य गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना, उद्देश्य क्या है इसके। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, धैर्य पूर्वक मतलब ध्यान से सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। सुनने के शिष्टाचार का पालन करना क्या है, यहाँ पे पहले हम सामने वाले की बात को ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल समझ कर और ध्यान से सुनेंगे, ये होता है शिष्टाचार। बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं टोकेंगे, ये होता है हमारा लिसनिंग स्किल का। ग्रहणशीलता की मन स्थिति बनाए रखना, मतलब किसी बात को सुनना, ध्यान से उसको अपनी स्थिति मन स्थिति बनाए रखना, किसी बात को ध्यान से सुनने के लिए। शब्दों मुहावरों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकना। किसी भी श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्ण सुनने की प्रेरणा प्रदान करना। फिर देखेंगे क्या है। श्रुत सामग्री में भाव तथा तथ्यों का चयन करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों की मौलिकता में वृद्धि करना, छात्रों का मानसिक व बौद्धिक विकास करना। स्वराघात बालाघात क्या होता है भाई, जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं, कहाँ पे हमें हमारे स्वर में तेजी लेकर आनी है, मतलब ज्यादा जोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, ये होता है बालाघात, मतलब स्वर का उतार चढ़ाव कैसे करना है। स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ठीक है। भावानुभूति कर सकना, भावाभिव्यक्ति के ढंग को समझ सकना, मतलब अपने भावों को व्यक्त करने के ढंग को समझना, भावों विचारों व तथ्यों का मूल्यांकन कर सकना, किसी के भावों को समझ पाना। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां देखेंगे। शिक्षण विधियां क्या है, सस्वर वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किए गए आदर्श वाचन तथा कक्षा में किसी अन्य छात्र द्वारा किए जाने वाले अनुकरण वाचन को ध्यान पूर्वक सुनकर शुद्ध उच्चारण यति गति आरोह अवरोह आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। मतलब शुद्ध रूप से सुनना, उसका उच्चारण मतलब उसको बोलना, उसमें कहाँ धीमी गति से बोलना है, कहाँ तेज गति से बोलना है, आरोह अवरोह, ठीक है, कहाँ हमारे स्वर में को बढ़ाना है, कहाँ नीचे लेकर आना है, इन सब का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। प्रश्नोत्तरी विधि, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान अध्यापक पठित सामग्री, जो पढ़ने वाली सामग्री है, पठित सामग्री के आधार को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों ने सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है, मतलब सुनकर आप ध्यान से किसी बात को सुन रहे हो या नहीं, इस चीज का मूल्यांकन हो जाता है। पठित सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछने से छात्र सावधान भी हो जाएंगे और कक्षा में पढ़ाई गई बातों को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब हम ये ही जैसे ये चीजें, ये पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो ध्यान से मेरी बातों को,
अगर मैं इसी में से कोई क्वेश्चन पूछूं और आप अच्छे से बता पाओ तो मुझे लगेगा हाँ भाई आपने अच्छे से सुना है, मैं मूल्यांकन हो पाएगा आपका। और नहीं सुना तो उसके लिए आपको बताया जाएगा आपने ध्यान से नहीं सुना ये वो, तो क्या है आप नेक्स्ट टाइम ध्यान से बातों को सुनोगे। कहानी कहना व सुनना विधि, अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए और बाद में उसी कहानी को बच्चों से सुने, इससे पता लग जाएगा कि छात्रों ने कहानी सुनी है या नहीं। कहानी के द्वारा बच्चों का ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। श्रुतलेख विधि, वैसे तो श्रुतलेख लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु किसी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। श्रुतलेख सुनकर लिखना, मतलब जब हम कोई वर्ड बोलते हैं उसको सुनकर लिखना, श्रुतलेख सुनकर लिखना होता है। जो छात्र ध्यान से सुनेगा वह पूरी सामग्री को लिख लेगा, जो छात्र ध्यान से नहीं सुनेगा उसके लेख के बीच बीच में शब्द या वाक्यांश छूट जाएंगे। फिर देखिए भाषण विधि, भाषण श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने में भी प्रयुक्त किया जाता है। प्राय यह मौखिक कौशल को विकसित करने का साधन है, मतलब भाषण विधि क्या है, स्पीकिंग स्किल को विकसित करने का साधन है। किंतु छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को ध्यान से सुने, स्पीकिंग जो स्किल है वो तो डेवलप होगा ही, साथ में उस भाषण को ध्यान से सुनने से क्या होगा आपका लिसनिंग स्किल डेवलप होगा। भाषण समाप्ति के उपरांत उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस भाषण से रिलेटेड जो आपने सुना होगा। प्रश्नों के उत्तरों में यह पता लग जाएगा कि छात्रों ने भाषण को कितने ध्यान से सुना है। श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु दृश्य श्रवण सामग्री सहायक सामग्री, ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर। ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर सामान्यतः मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग रोचक साधन के रूप में किया जाता है। यह ज्यादा कीमती नहीं है इसलिए इसे विद्यालय में आसानी से खरीदा जा सकता है। इसके द्वारा कविता, कहानी, महान पुरुषों के भाषण, वार्ता आदि सुनाकर बच्चों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है कि कितनी ध्यान से बच्चे इन चीजों को सुन रहे हैं। टेप रिकॉर्डर के द्वारा छात्रों को किसी भी समय एक्टिव किए गए भाषण, परिचर्चाएं इत्यादि सुनाए जा सकते हैं, मतलब टेप रिकॉर्डर में जब उनकी रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो चीजें हम किसी भी टाइम सुना सकते हैं। तत्पश्चात छात्रों को प्रश्न पूछकर उनके श्रवण कौशल की जांच की जाती है। उनको सुनाने के बाद उनसे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है जो हमने उसे सुनाया है, कोई कविता है, कोई कहानी है, किसी महापुरुष के बारे में बताया है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए। रेडियो के द्वारा आकाशवाणी के छात्रों के लिए तरह तरह के उपयोगी शैक्षणिक मनोरंजन कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने में रेडियो भी एक महत्वपूर्ण साधन है। चलचित्र में आवाज सुनाई देने के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं। क्या है भाई, ये सर्वदृश्य सामग्री है। सर्वदृश्य सामग्री क्या है, जिन चीजों को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दिखाई भी देते हैं। बच्चे हर दृश्य को बहुत ध्यान से देखते हैं, अतः शैक्षणिक चलचित्रों का प्रयोग भाषा शिक्षण को रोचक बना देता है। इसके अतिरिक्त टेलीविजन पर दिखाई जाने वाले कार्यक्रम भी श्रवण कौशल के विकास में सहायक होते हैं। वीडियो, जैसे किसी भी वार्ता को टेप करके टेप रिकॉर्डर द्वारा भी सुनाया जाता है, ठीक उसी तरह से किसी कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर वीडियो के द्वारा टेलीविजन पर दिखाया जा सकता है। प्रतिष्ठित विद्वानों के भाषण, वार्ता एवं विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के कैसेट लाकर दिखाए जा सकते हैं। उसे श्रवण कौशल के साथ साथ मौखिक कौशल भी विकसित किया जा सकता है, उसमें सहायता मिलती है। फिर क्या है, कंप्यूटर, आधुनिक युग विज्ञान का युग है, प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर की सहायता से भी छात्र के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भाषण, वार्ता आदि का वीडियो, अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम भी कंप्यूटर पर दिखाए जा सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से क्वेश्चन है, जिस तरह से हम शब्दों की ध्वनि बनाते हैं उसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उच्चारण। किस सामग्री का प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है, गीत, रेडियो, बातचीत, ये सभी।